फ्रेंड्स, वेलकम बैक डॉट ब्यूटी चैनल। आज की वीडियो में होने वाली है फुल फेस थ्रेडिंग एक मेल फेस के ऊपर। सो गाइज, ये वीडियो आपके बहुत सारे कमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई गई है, सो फुल वॉच कीजिएगा। और यूट्यूब पर डॉट ब्यूटी चैनल पर पहली वीडियो है जो मेल फेस पर फुल फेस थ्रेडिंग की होने वाली है। सो गाइज, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इसमें कुछ पार्ट्स मैंने लिए हैं फुल फेस थ्रेडिंग के, तो वो पार्ट्स कौन कौन से मेल फेस के अंदर होते हैं, तो वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें सबसे पहले बनानी है आईब्रो थ्रेडिंग। तो आईब्रो थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टैल्कम पाउडर लगा दिया है एंड सीजर की हेल्प से जो थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा हेयर्स है, जो थ्रेडिंग से आउट ऑफ हेयर्स है, उन्हें सीजर की हेल्प से कट कर थ्रेडिंग में सेट कर दिया था। एंड उसके बाद आईब्रो थ्रेडिंग के धागे से ऊपर की आईब्रो के अंदर एक्स्ट्रा हेयर्स निकाले गए थे। एंड देन अब ये जो काम चल रहा है, नीचे की आईब्रो बनाने वाला काम चल रहा है। सो गाइस, नीचे की आईब्रो बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे से अच्छे से स्ट्रेचिंग करा लेनी है एंड देन फिर हमें धागे से एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने स्टार्ट करने कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने पिछली पुरानी वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने का तरीका बताया है। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो उन्हें क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर्स हटा लेने हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर्स जब हट जाते हैं तो हम अब बढ़ते हैं दूसरी आईब्रो थ्रेडिंग पर। तो सेकंड आईब्रो थ्रेडिंग पर भी हमें सबसे पहले ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर्स हटाने हैं। सो एक्स्ट्रा हेयर्स जब भी थ्रेडिंग के अंदर हटाए जाते हैं तो ज़्यादा हेयर्स नहीं हटाए जाते, जो थ्रेडिंग्स के आउट ऑफ हेयर्स है उन्हें ही निकाला जाता है। सो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नीचे की आईब्रो थ्रेडिंग पर। तो नीचे की आईब्रो थ्रेडिंग पर हमें ऊपर नीचे से अच्छे से स्ट्रेचिंग करा लेनी है और स्ट्रेचिंग हमारी अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी तभी हेयर्स अच्छे से निकल पाएंगे। सो गाइस, आईब्रो बनाने का तरीका अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियो पर देख कर और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईब्रो थ्रेडिंग को स्ट्रेचिंग कराने का तरीका। तो गाइस, इसी तरीके से स्ट्रेचिंग कराकर आईब्रो थ्रेडिंग के हेयर्स जो है क्लीन किए जा रहे हैं। सो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपका जो एक लाइक होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूला करें। एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दिया करें। एंड नेक्स्ट कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो गाइस, इसी तरह करके हमने आईब्रो थ्रेडिंग कंप्लीट की है। एंड आईब्रो थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद हम जो सेकंड पार्ट पर आगे बढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट हम लेने वाले हैं, वो पार्ट है हमारा फॉरहेड का। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट हम फॉरहेड को क्लीन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो काम चल रहा है वो आईब्रो थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा हेयर्स नीचे से निकालने वाला वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों थ्रेडिंग के बीच में जो गैप है उस एरिया पर भी हेयर्स होते हैं, तो उस एरिया को भी हमें अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। एंड यहाँ पर फाइनली फिनिशिंग चल रही है। सो गाइस, यूट्यूब चैनल पर फीमेल फेस के ऊपर आईब्रो थ्रेडिंग की फुल फेस थ्रेडिंग वीडियो मैंने 7 से 8 डाली हुई है, लेकिन आज की ये फर्स्ट वीडियो मेल आईब्रो थ्रेडिंग की जो होने वाली है इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। कुछ पार्ट फीमेल थ्रेडिंग को देखते हुए स्किप किए हैं इस मेल थ्रेडिंग के अंदर। तो गाइस, वो पार्ट कौन कौन से हैं तो आपको वीडियो आप देखते आइए, स्टेप बाय स्टेप आपको उन पार्टों से परिचित कराया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो है फाइनली फिनिशिंग चल रही है, फाइनली फिनिशिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट हम फॉरहेड थ्रेडिंग पर बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेल फेस पर थ्रेडिंग किस तरह बनाते हैं और भी अच्छे से सीखना है तो ऑलरेडी मैंने
इस पर वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी तरह करके हमने ये आईब्रो थ्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइज, आज की जो वीडियो है, बहुत बार इस वीडियो के लिए चैनल पर कमेंट आए हुए थे कि मैम आप फुल फेस थ्रेडिंग एक मेल फेस पर भी बताएं। तो आज की ये वीडियो फर्स्ट टाइम फुल फेस थ्रेडिंग है जो आप देख रहे हैं, एंड इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट जो भी हो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर फुल फेस थ्रेडिंग का जो काम चल रहा है, जब हमारी फाइनली फिनिशिंग वीडियो की फिनिश हो जाती है तो हमारी जो कम्प्लीटली थ्रेडिंग बन जाती है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फॉरहेड के जो हेयर्स है वो क्लीन किए जा रहे हैं, और फॉरहेड के जो हेयर्स है वो एक डीपली धागा चलाते हुए क्लीन किए जा रहे हैं, बिकॉज फॉरहेड पर बहुत ही लाइटली छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। एंड फॉरहेड थ्रेडिंग किस तरह की जाती है, अगर आपको और भी गहराई से इस बात पर जानना है तो सेपरेट वीडियो इस पर बनाई हुई है, आप उसे क्लिक कर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइज, इसी तरह करके हमने फॉरहेड के जो हेयर्स है वो कम्प्लीटली क्लीन कर लिए हैं, और यहाँ पर जो हमारा धागा चल रहा है, जो हमारा थ्रेड चल रहा है वो बहुत ही डीपली चल रहा है, बिकॉज जो धागे के अंदर जो हेयर्स है, अगर हम डीपली चलाएंगे तभी हम हेयर्स को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट था फॉरहेड का, एंड अब जो नेक्स्ट पार्ट पर हम बढ़ रहे हैं वो हमारा पार्ट है आइज़ के नीचे वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो हेयर्स है वो हेयर्स क्लीन किए जा रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो गाइज, आइज़ के नीचे वाले पार्ट पर, नीचे वाले एरिए पर कुछ लोगों को हेयर्स ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को लॉन्ग ग्रोथ होती है, बट कुछ लोगों को लाइट ग्रोथ होती है। यहाँ पर इनको बहुत ही लाइट ग्रोथ है, बट वो भी आप देख रहे हैं मेरा क्लीन कराने का जो तरीका है, जो धागा चलाने का तरीका है, तो इसी तरह से आपको भी थ्रेड चलाना है, चाहे आपके कितने भी हैवी ग्रोथ हो, वो आपके जो हेयर्स है फेस के इसी तरह थ्रेड की हेल्प से निकल जाएंगे। तो कम्प्लीटली मैंने वन साइड के जो हेयर्स है वो अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, और इस यही वाला प्रोसेस सेम हमें सेकंड साइड यानी कि दूसरी साइड भी हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो गाइस, इसी तरह करके हमने आंखों के नीचे की तरफ जो हेयर्स है वो हमने क्लीन किए हैं। सो गाइस, आज की ये फुल फेस थ्रेडिंग का जो थर्ड एरिया है, थर्ड पार्ट है, जहां पर हेयर्स क्लीन किए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट जो चलने वाला है, वो पार्ट होगा हमारा नोज थ्रेडिंग का। सो गाइज, आंखों के नीचे के आसपास के जो हेयर से वो हमें कम्प्लीटली क्लीन कर लेने हैं, एंड कम्प्लीटली क्लीन करते हुए हमें ऊपर तक, आई मीन फॉरहेड तक हेयर्स क्लीन करने हैं, अपर साइड, हमें अपर साइड तक हेयर्स क्लीन करने हैं। तो ये यहाँ के जो हेयर्स है वो क्लीन हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो ये हमारा फेस का जो पार्ट है, यहाँ पर एक सेंसिटिव एरिया है, तो थोड़े सा हल्के हाथों से अगर आप धागे को चलाएंगे तो आपको पेन वाला जो सिस्टम है, जो पेन वाला जो फीलिंग है वो आपको कम होगी। एंड फोर्थ जो हमारा पार्ट यहाँ पर चल रहा है वो नोज़ थ्रेडिंग का है। नोज़ के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर्स है वो थ्रेड के हेल्प से निकाले जा रहे हैं, और धागे को हम यहाँ पर बहुत ही डीपली रख रहे हैं। एंड नोज़ पर थ्रेडिंग कैसे की जाती है, अगर इस बात पे आपको थोड़ा और भी डीपली जानना है तो वीडियो इस पर भी सेपरेट बनाई हुई है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, चैनल पर मिल जाएगी, हेल्पफुल हो, तो प्लीज फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे से क्लियरली और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं आपसे। तो गाइस, ये हमारा फुल फेस थ्रेडिंग का जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज की ये मेल फुल फेस थ्रेडिंग की वीडियो कंप्लीट होती है।
सो आप देख सकते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। बाय बाय।